नमस्कार, आप फर्स्ट व्याज झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम 10 सर्कुलर रोड रावरी आवास के बाहर मौजूद हैं। बता दें आपको कि एक जो दुखद घटना है वो रावरी आवास के अंदर घटी है। जी हाँ, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जो है बड़ी चोट आई है। बता दें आपको कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज रावरी आवास में सीढ़ी से गिर गए, जिसके बाद उनके कंधे में चोट आई और जब इलाज किया गया तो पता चला कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दाहिना जो कंधा है वो फ्रैक्चर कर गया है। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजद सुप्रीमो जहां रह रहे हैं रावरी आवास उसके बाहर की है। कुछ लोग हैं जो पहुंचे हैं राजद सुप्रीमो को देखने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो गमगीन माहौल है इस वक्त राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में देखा जा सकता है। 10 सर्कुलर रोड में हम मौजूद हैं और यहाँ जो लालू के समर्थक हैं धीरे धीरे जिनको जैसे जैसे जानकारी हुई वो मिलने आए, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो कह सकते हैं इस वक्त घटनाक्रम हुआ है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ रावरी आवास के अंदर हुआ, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीढ़ी से गिरे और उनके दाहिने कंधे में जो फ्रैक्चर है वो आई है। इसके साथ ही अब इस वक्त लालू प्रसाद यादव इलाज अंदर ही जो आराम है वो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी जो घटना है वो देखी जा रही है। लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों ही बेल पर बाहर आए और अब जब स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे इसी क्रम में आज थोड़ी सी तबीयत नाजुक थी, जिसके बाद सीढ़ी से उतर रहे थे और इसी दौरान उनका पैर फिसल गया, जिसके बाद गंभीर रूप से राजद सुप्रीमो घायल हो गए। इलाज उनका करा दिया गया है और अब 10 सर्कुलर रोड रावरी आवास के अंदर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आराम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक जो माहौल इस वक्त रावरी आवास के अंदर का है वो दुखद है, क्योंकि परिवार के मुखिया जब इस तरीके से उन्हें चोट आती है तो निश्चित तौर पर पूरा परिवार जो है वो सहम जाता है। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जो बड़ी जुड़ी बड़ी खबर थी वो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज जब घर में थे सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनका पैर फिसला, जिसके बाद वो गिर गए और उनके दाहिने कंधे में जो फ्रैक्चर है वो हुआ है। बहरहाल तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार पर मिलेंगी। धन्यवाद।